भैया ये मुझे आप एक बात समझाइए, एक मुझे बात समझाइए। पहले नारा चलता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, देखो चौकीदार, चौकीदार। अभी भैया मजा नहीं आया, चौकीदार। ये मुझे एक बात बताइए, ये 4.5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोरों पर कैसे चले गए? हम जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, जैसे ही मैं चौकीदार शब्द बोलता हूं, जनता कहती है चोर है। और अब मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि एक चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब चौकीदारों को बदनाम कर दिया। मतलब अलग अलग चौकीदार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भैया आप नारा बदलो, आप कहो कि देश का चौकीदार चोर है, क्योंकि हम सब चोर नहीं है, हम तो ईमानदार हैं। देश के सब चौकीदार कह रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखिए आप घबराइए मत, जनता समझती है हम किस चौकीदार की बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि जब चौकीदार चोर नारा चलता है तो नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। और ये जो चौकीदार हैं, इन्होंने सिर्फ राफेल मामले में चोरी नहीं की, आपने देखा होगा पिछले दिनों में वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की, वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की, और उसी वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। पूरा देश जानता है कि एचएएल से नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के पायलट से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, चौकीदार ने मुझे साफ बता दिया था कि अगर राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान को बेचना है तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा वायुसेना देश की रक्षा करती है, वायुसेना के पायलट शहीद होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री वायुसेना से पैसे छीनकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। शर्म की बात है, इससे शर्म की बात बड़ी बात नहीं हो सकती। मगर ये चौकीदार सिर्फ वायुसेना से चोरी नहीं करता है, ये चौकीदार किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से भी चोरी करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कैसे करता है। देश के किसान, देश के आदिवासी, झारखंड के किसान, झारखंड के आदिवासी, आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए 2013 में जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने के लिए हम ट्राइबल बिल और पैसा कानून लाए थे। ये जो जल है, जंगल है, जमीन है, ये आपकी है, ये अंबानी की नहीं है। अदानी की नहीं है।
हम कानून लाए, कानून में साफ लिखा था बिना किसान से पूछे, बिना आदिवासी से पूछे, जब तक 80% किसानों ने हां नहीं कहा तब तक जमीन नहीं दी जा सकती है। और अगर जमीन दी जाएगी तो सोशल ऑडिट होगा, सोशल इंपैक्ट स्टडी होगी। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जानता हूं आप में जोश है, नारा लगाना चाहते हो, मगर बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। 80% किसानों से पूछकर जमीन ली जा सकती है, और अगर किसानों ने हां कहा तो सोशल इंपैक्ट स्टडी के बिना जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा किसान के जेब में डालना ही पड़ेगा, ये कानून है। न्यामगिरी में भट्टा परसौल में लड़ाई हुई, हमने आपको कानून दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला काम जमीन अधिकरण बिल, ट्राइबल बिल को रद्द करने का। पार्लियामेंट में हमसे लड़े, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटी, हमने कहा ना हम नहीं करने देंगे। हम आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन 15-20 उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। 3 बार नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोशिश की, 3 बार कांग्रेस पार्टी ने उनको रोका, और फिर उन्होंने अपने सरकारों को कहा कि स्टेट लेवल पे आप कानून बदल दीजिए। और आज झारखंड में बिना किसान के पूछे, बिना आदिवासी के पूछे, आपकी जमीन छीनकर उनके उद्योगपति मित्रों को दी जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट की बात करता है, पता नहीं क्या बोला, उसके बाद 10 मिनट बीजेपी के नेताओं ने, एमपीज ने यूं धड़ाधड़ ताली बजाई। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये क्या हो गया, ये क्यों ताली बजा रहे, 5-7 मिनट इन्होंने ताली बजाई। अच्छा, सबके सब मोदी जी की ओर देखकर यूं ताली बजा रहे हैं कि भैया गुस्सा ना हो जाए। पता लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को नरेंद्र मोदी जी दिन का 17 रुपए पैसा दे रहे हैं, उधर 3.5 लाख करोड़ रुपए, और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 17 रुपए दिन का, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, और बीजेपी के सब नेता धड़ाधड़ ताली बजा रहे हैं, मजाक बना रखा है। हमने निर्णय ले लिया है, और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है, टाइम जाया नहीं करती है। हम अच्छे दिन की बात नहीं करते, 15 लाख की बात नहीं करते, हम किसान कर्जे की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। पैसे की यहां कोई कमी नहीं है, यह अमीर प्रदेश है, आपसे आपका पैसा चोरी किया जा रहा है, दिन भर चोरी किया जाता है। चौकीदार, और 2019 में हम दिल्ली चौकीदार को दिल्ली से भगाएंगे, और फिर उसके बाद झारखंड में गठबंधन की सरकार आएगी, और जो आपका धन है वो आपको मिलेगा, आपके अस्पतालों में, आपके कॉलेजेस में, आपके स्वास्थ्य के लिए आपका धन लगाया जाएगा। देखिए, आप मेरे सब भाषण सुन लीजिए, 2004 से मैं राजनीति में हूं, आप मेरे एक भाषण दिखा दीजिए मुझे जहां मैंने झूठ बोला, कहीं मैंने झूठा वायदा किया मुझे दिखा दो, दिखा दो मुझे एक भाषण दिखा दो जहां
कोई झूठ बोला हो। हमने मनरेगा की बात की, मनरेगा दिया। भोजन के अधिकार की बात की, भोजन का अधिकार दिया। किसान कर्जा माफी की बात की, 70,000 करोड़ रुपए यूपीए सरकार की तब किया। पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप इस किसी भी प्रदेश में चले जाओ पूछो, राहुल गांधी ने कहा था कर्जा माफ होगा, हां या ना बता देंगे, हो गया। अब आप नरेंद्र मोदी के भाषण देखिए, वहां आपको एक सच्चाई दिख जाए, एक सच्ची बात दिख जाए तो मुझे बता देना। मैं आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ मिलकर झारखंड को बदलने आया हूं। और मुझ में पूरा भरोसा है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो गठबंधन के दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, यहां मरंडी जी बैठे हैं, सोरेन जी है, मुझे पूरा भरोसा है कि एक टीम है, अब हम सब मिलकर एक साथ झारखंड को बदलने वाली सरकार देंगे, यह मेरा आश्वासन है आपको। तो आप दूर दूर से आए, अंत में आपसे कहना चाहता हूं, देखिए ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी का, दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, ये झंडा एक है। अगर दो हिंदुस्तान चाहिए होते तो दो झंडे बनते, एक झंडा ये सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर प्रदेश का है, हर भाषा का है, अमीरों का है, गरीबों का है। हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अगर अनिल अंबानी और 15 उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा तो गरीब किसान का, आदिवासी का भी कर्जा माफ होगा, इनकी जमीन की रक्षा होगी, इनको रोजगार मिलेगा, अस्पतालों में इनका भी इलाज होगा, स्कूल और कॉलेजेस में इनके भी बेटे जाएंगे, बेटियां जाएंगी। यह आश्वासन हम आपको देंगे और यह हम आपको करके दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।